बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के एक इंतहाई खूबसूरत शहर ताइफ की सैर करवाएंगे, जिस शहर का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी पाक किताब कुरान पाक में भी किया है। इस शहर में कई सहाबा इकराम की कब्रें भी मौजूद हैं। ताइफ दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर पैदा करने वाले शहरों में शुमार होता है। आज से कुछ दहाइयां पहले इस जगह सिर्फ रेत ही रेत थी और चंद बद्दू लोगों की बस्तियां इबाद थीं, लेकिन आज ये शहर दुनिया के जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता है। ताइफ को गुलाबों का शहर भी कहते हैं। दोस्तों, ताइफ सऊदी अरब के मक्का सूबा का एक शहर है, जो कि मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ताइफ शहर हिजाज पहाड़ पर सिता समंदर से 6,150 फीट की बुलंदी पर मौजूद है। इस शहर को इंतजामी लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें जनूबी और शमाली ताइफ, मशरकी और मगरबी ताइफ और एक हिस्सा न्यू ताइफ है। दोस्तों, ताइफ का लफज अरबी जबान के एक लफज अलताइफ से अखज किया गया है, जिसके मानी घूमने वाला या गर्दश करने वाला है। यह नाम शहर के इर्द गिर्द मौजूद दीवार की वजह से दिया गया है, जो बनु नकीफ कबीले ने तमीर करवाई थी। ताइफ शहर 321 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस शहर में मौजूद तारीखी महल्लात और कदीम इमारतें सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, क्योंकि ताइफ में कदीम और जदीद फन तमीर के नमूने एक साथ देखने को मिलते हैं। दोस्तों, 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर में 7,15,334 अफराद रहायश पजीर हैं। आबादी के लिहाज से ताइफ सऊदी अरब का छठा बड़ा शहर है। ताइफ एक गुंजान आबाद शहर है। इस शहर में 1 किलोमीटर के अंदर 2144 लोग रहायश पजीर हैं। ताइफ सऊदी अरब का एक सरसब्ज और पहाड़ी शहर है। खासकर ताइफ अपने ज़रई अजनास की वजह से पहचाना जाता है। इस शहर के ज़रई अजनास में अंगूर, खजूर, अंजील, गुलाब के फूल और शहद काबिले जिक्र हैं। ताइफ का शहद पूरी दुनिया में मशहूर और खालस माना जाता है। दोस्तों, ताइफ शहर गुलाब के फूल अरब समेत पूरी दुनिया के कई ममालक में एक्सपोर्ट करता है। ये फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जिनको खुशबू बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस शहर में मौजूद फलों के बागात की वजह से इस शहर को हिजाज का बाग भी कहते हैं। साल 2017 में शाह सुलेमान ने न्यू ताइफ मनसूबे का आगाज किया था, जिसमें ताइफ शहर में सऊदी अरब का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी तमीर किया जा रहा है। इसके अलावा 11,000 रहायशी इमारतें, एक यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल शहर का मनसूबा भी शामिल है। ताइफ में सऊदी अरब का सबसे बड़ा शमसी तवनाई का प्लाट भी तमीर किया जा रहा है। सऊदी अरब की तरह ताइफ शहर का मकबूल तरीन और पसंदीदा खेल फुटबॉल है, जबकि क्रिकेट, टेनिस बॉल और वॉलीबॉल शहर में खेले जाने वाले दूसरे खेल हैं। इस शहर के लोगों का लाइफस्टाइल बेहतरीन और लग्जरी है। ताइफ के शेखों के पास दुनिया की बेहतरीन गाड़ियाँ और बंगले मौजूद हैं। ताइफ में दुनिया के खरबपति लोग रहायश पजीर हैं। इस शहर के लोगों की सालाना औसत आमदनी तकरीबन 35,586 अमेरिकन डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1,39,500 रुपये के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी में 30,47,000 रुपये बनते हैं। औसतन आमदनी के लिहाज से ताइफ दुनिया के अमीर तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। शहर में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। ताइफ में रोड्स खुले और इंतहाई साफ सुथरे हैं। ताइफ में गाड़ियों की तादाद हज़ारों में है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में ट्रैफिक बहुत कम जाम होती है। दोस्तों, इस शहर का मौसम पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खुशगवार होता है। ताइफ सऊदी अरब का एक बेहतरीन तफरीही मकाम भी है। मौसम गर्मा में सऊदी अरब की हुकूमती सरगर्मियाँ इस शहर में मुंतकल कर दी जाती हैं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में पूरे मुल्क से लोग ताइफ शहर में छुट्टियाँ गुजारने के लिए आते हैं। इस शहर की सबसे खास बात यह भी है कि इस जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर सड़कें तमीर की गई हैं, जिनको देखकर इंसान की अकल हैरान रह जाती है। हज और उमरा के लिए आने वाले लोग इस शहर का लाजमी रुख करते हैं और इस बाग की ज्यारत भी करते हैं, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया गया, जो कि रियाज शहर में मक्का और जद्दा का सफर करते हैं।
इन लोगों को ताइफ की पहाड़ियों से गुजरना भी पड़ता है। इस वक्त ताइफ में सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी फौजी छावनी भी मौजूद है, जहां पर पूरे मुल्क की फौज ट्रेनिंग हासिल करती है। दोस्तों साथ साथ आप लोगों को इस बात से भी आगाह कर दें कि सऊदी शहजादा शाह सुलेमान के 2030 के विजन में ताइफ भी शामिल है, क्योंकि ताइफ सऊदी अरब का सियाहती और जगराफियाई लिहाज से एक अहम मुकाम है। आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी कि जहां पूरे सऊदी अरब में दुनिया के बुलंद तरीन इमारतें मौजूद हैं, लेकिन ताइफ शहर में आज भी मिट्टी से बने हुए सरकारी दफातर मौजूद हैं। ताइफ सऊदी अरब का वाहिद शहर है जहां सर्दियों के मौसम में बर्फबारी का नज़ारा देखा जा सकता है। ताइफ शहर तीन बड़ी सड़कों की मदद से मक्का, जद्दा और अबहा शहर के साथ मिला हुआ है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ताइफ में जेरे ज़मीन पानी बहुत ऊंचा है। पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जेरे ज़मीन साफ पानी के ज़खायर इसी शहर में मौजूद हैं। इस्लाम से पहले भी हज की गरज से मक्का आने वाले लोग ताइफ का भी रुख करते और ये सिलसिला आज तक जारी है। दोस्तों अगर इस शहर की तारीख की बात की जाए तो 6वीं सदी ईस्वी में इस इलाका में बनू सकीफ सल्तनत कायम थी। शहर के इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार बनाई गई और ये लोग बुत परस्त थे। 620 ईस्वी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र किया, जो इस्लामी तारीख का एक मशहूर वाक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म को लहू लुहान कर दिया। एक मरतबा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन वक़्त कौन सा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जब ताइफ का सफ़र किया और इन लोगों ने मुझे ज़ख्मी किया था। 631 ईस्वी में गज़वा तबूक के मौके पर इस शहर के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ताइफ पर काफ़ी सदियों तक अरबों की हुकूमत रही। 1517 में इस शहर पर उस्मानी सल्तनत की हुकूमत आ गई। 1802 में नजदी फौज ने ताइफ शहर को फतेह कर लिया, जिनका तल्लक आले सऊद ख़ानदान से था। मगर 1813 में उस्मानी सल्तनत महमूद तरक दोम ने दोबारा वापस हासिल कर लिया। 1916 में शरीफ मक्का ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ अरसा के बाद शरीफ मक्का के हुसैन बिन अली और नजद के हुक्मरान अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के दरमियान जंग शुरू हो गई। 1926 में ताइफ को शाह अब्दुल अज़ीज़ ने फतेह कर लिया और इस शहर को सऊदी अरब का हिस्सा बना दिया गया। ताइफ उस वक़्त भी एक जदीद तजारती और सियाहती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि इस तरह की तमाम दिलचस्प और मालूमती वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें।